हाँ जी दोस्तों, सबका स्वागत है फॉर हेल्प में पिनरे के बेस वीडियो को लो फेज। और मैं हूं हितेश। मैं हूं राकेश। सबसे पहले आप सबको थैंक यू सो मच, क्योंकि यार अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा प्रो प्लेयर तुझे ना मिल पाएगा। उस पे चले गए हैं 8 मिलियन व्यूज, और कैसे हुआ यार, बहुत तगड़ी बात है। और आपको फ्लैशबैक में लेके चलते क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो रुको भाई, पहले फ्लैशबैक में जाने से पहले बातें सुन लो, क्योंकि मैंने आइडिया कैसे आया था वो भी आपको तो पता चलना चाहिए, आपको भी मिल जाएगा आइडिया। चलते रहते वैसे आइडिया घूमते रहते। सबसे पहले ये आइडिया के लिए यार थैंक्स है मेरे एक दोस्त का और मेरे भाई का। नॉर्मली भाई हम लोग जा रहे थे क्लासेस से घर पे, और मैंने ऐसे ही बैठे बैठे सोच लिया अपना टाइम आएगा, वो तो ट्रेंडिंग में चल रहा था, और फिर बाद में पबजी भी ट्रेंडिंग में चल रहा था। ऐसे ही गा रहे थे अपना टाइम आएगा मेरे जैसा प्रो प्लेयर, तो उसने भाई बंदे ने गाना पूरा आगे का बना दिया वो बंदे ने, कि अपना टाइम आएगा कोचिंग की में आया हेडशॉट लेकर जाएगा। तो फिर मुझे आइडिया आ गया कि कुछ तो बन सकता है, और एक बार ट्राई करते बनाने की। वैसे भी अपना ट्रैप ड्रॉप आएगा, वो सॉन्ग भी एक बार ट्रेंडिंग चल रहा था, तो मैंने सोचा उसको तो मैं टक्कर दे नहीं पाऊंगा 100-200 व्यू में, लेकिन एक बार बना के देखते क्या होगा, ऐसे ही टाइम पास में बना देते। और भाई उस सॉन्ग को मैंने बना दिया, और पहले जो मैंने अपने दोस्त को भेजा था उसमें बैकग्राउंड नॉइज बहुत आ रही थी, इसकी वजह से मैंने सोचा दूसरा वापस रिपीट करूँ, वापस बनाऊ। वापस मैंने बनाया, और फिर मैंने खुद सुना और मेरे भाई को सुनाया, तगड़ा लगा, सीधा अपलोड कर दिया, और कीवर्ड्स सब लगा दिए, अपना टाइम आएगा लगा दिया, ऑटोमेटिक हो गया काम। टॉप वीडियो रैंकिंग करने लगी, और भाई उस वीडियो ने ऐसे देखते ही देखते अपना ड्रॉप आएगा का भी रिकॉर्ड एक बार में ब्रेक कर दिया, मतलब उसको एकदम पीछे छोड़ दिया। मुझे नहीं लगा था कि वो वीडियो को मैं टक्कर भी दे पाऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, कोविड से बचने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखें, दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर यूज करें, और मास्क का यूज करें। बस मेरे सब्सक्राइबर थे खाली 100, और मैंने सोचा अपना टारगेट रखूँ कुछ 500 का, इसके बाद देखा जाएगा 1K का, बाद में 2K, ऐसे सोचा था। लेकिन ये सॉन्ग ने भाई इतना बैंड बजा दिया, मतलब एक बार में पूरे यूट्यूब को हिला डाला। 500 सब्सक्राइबर पहुँचने थे, मैं पहुँच भी गया, 500 नहीं 1000 पहुँच गया, और एक हफ्ते के बाद देख रहा हूँ 10,000 हो गए सब्सक्राइबर। भाई मुझे 2,000-3,000 करने पड़े, सीधा 10,000 पे जंप मार दिया, और 10,000 के बाद देखा भाई तो सीधा 30,000 में पहुंच गया, और बाकी ये 15,000 जो दूसरे एप्लीकेशन की वजह से हुए वो साइड में। ये सॉन्ग तो मेरे टारगेट पूरा कर दिया था, और मोनेटाइज भी एनेबल कर दिया था, लेकिन बहुत लोगों को सॉन्ग अच्छा लगा, बहुत लोगों को बुरा लगा, गालियाँ पड़ी, लेकिन वो गालियाँ मतलब मैंने हाइड कर दिया था जिसकी वजह से दिखा नहीं वो। लेकिन मोनेटाइज जो ऑन किया था मैंने वो हो गया था कॉपीराइट, तो उस पर कॉपीराइट लग गया। और भाई अभी इस पर सब अर्निंग होती है, लेकिन वो सब जो कंपनी है उसको ही पहुंच जाती है, मैं कंपनी का नाम रिवील नहीं करूंगा, तो वो कंपनी के पास पहुंच जाती है। वैसे तो मैंने कॉपीराइट फ्री कंटेंट लिया था जो बैकग्राउंड म्यूजिक था वो, लेकिन तो भी उस पर कॉपीराइट लग गया, पता नहीं क्या रीजन की वजह से। तो फिर मैंने बाद में क्लेम भी नहीं किया और छोड़ दिया, क्योंकि मैंने खाली लिरिक्स बनाए थे, मतलब उसमें से लिरिक्स को मॉडिफाई करके बनाए थे, बाकी ट्यून तो उसका था, तो वो तो मेरा भी फॉल्ट था, तो क्या करें। चलिए फ्लैशबैक में कि मैंने कैसे बनाया था और क्या किया था मैंने, मतलब मैंने कोई सेटअप नहीं लिया ना ही कुछ मैंने लिया, अपने मोबाइल से ही सब किया था। फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक में तो ऐसे नहीं जा पाऊंगा, बिकॉज यार वो घर अलग था और ये घर अलग है, जो वहाँ पे छावल में था और ये बिल्डिंग में, तो फर्क इतना है कि भाई मैंने ये सॉन्ग बनाया, एक साइड में मैंने अपने सॉन्ग के लिरिक्स लिख दिए, और एक मोबाइल में मैंने अपना ट्यून बजाया बैकग्राउंड में, और जो दूसरा मोबाइल था उसमें मैंने लगाए एयरफोन, जो ये नॉर्मल कोई भी एयरफोन आप देख सकते हो जिसमें आवाज़ अच्छे से आती है। तो भाई मैंने दूसरे मोबाइल में जो मॉम का मोबाइल था उसमें मैंने कनेक्ट किया अपना ऑडियो, और सुनने लगा कि अपना ऑडियो कैसा आ रहा है बैकग्राउंड ट्यून, और ये मोबाइल से मैंने गाना शुरू कर दिया, बाकी बचा हुआ लिरिक्स वहाँ से पढ़ पढ़ के 2-3 बार रीटेक लिया, लेकिन हो गया काम। ये तो भाई गाना अच्छा लगा और अच्छा खासा वायरल हुआ, तो मुझे लग रहा कि और 2-3 ऐसे सॉन्ग बना दूँ, और बनाऊंगा भी आगे जाके फ्यूचर में। जल्दी 50K कर दीजिए, मुझे पता आप लोग कर दोगे, 50K वैसे भी होने वाले, जैसे ही 50K हुआ भाई सॉन्ग नया अपलोड हो जाएगा, देखते हैं। वैसे आज एंगल चेंज करके बैठा हूँ, पता नहीं कैसे सॉन्ग बताने के चक्कर में। तो ये तो भाई नॉर्मल, फिर मैंने एडिट करके कर दिया अपना नॉर्मल जो पावर डायरेक्टर एप्लीकेशन है उससे मैंने ऑडियो को लिया, और अपने बोलने वाले वॉइस को लेके मर्ज कर दिया, और काम खत्म। और ऊपर मैंने पबजी की 2-3 क्लिप्स चला दी जो अच्छी खासी चल गई, मतलब फिट हो गई। पीछे से तालियां। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब तो किए होगा, नहीं कर तो सब्सक्राइब पे क्लिक करो, बेल आइकन को भी दबा दो, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलती रहे। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। कैम ये वीडियो बनाने वाले ने तो प्रगति कर दी, नीचे से ऊपर आ गया कैमरा में, नीचे का नीचे रह गया। 1 लाइक इज इक्वल टू प्रे फॉर कैमरा भी ऊपर कर लूं भग रहे दिखा देख ए ना शक्ल नहीं, शक्ल रिवील नहीं करना।